हेलो आजमगढ़ वालों, क्या हाल है। अभी हाल में खबर आई थी, आजमगढ़ हवाई अड्डा अक्टूबर महीने में शुरू होने वाला है, लेकिन अभी एक बार फिर डेट बदल गई है, क्योंकि आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंदुरी एयरपोर्ट आजमगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रनवे, पैचवर्क एवं एस्टीमेट देखा गया। इसी के साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि नवंबर महीने से शुरू हो सकती है उड़ान। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नवंबर महीने में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर पश्चिम तरफ मंदुरी हवाई अड्डा स्थित है। आजमगढ़ अयोध्या मुख्य मार्ग पर स्थित मंदुरी हवाई अड्डा करीब 104 एकड़ जमीन में बनाया गया है। साल 2005 में यहां पहले हवाई पट्टी थी, जहां पर कई बार नेताओं के विमान उतरकर उड़ान भर चुके हैं। नवंबर 2018 में मंदुरी हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए उसे हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2019 में निर्माण कार्य के लिए शासन ने 18.21 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। धन मिलने के बाद निर्माण कार्य जोर पकड़ा और हवाई अड्डा बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को नोडल नियुक्त किया गया था। निर्माण कार्य वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी की देखरेख में संपन्न हुआ है। आजमगढ़ हवाई अड्डा को आगे भविष्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे आजमगढ़ से दुबई, सऊदी, अन्य इंटरनेशनल ट्रिप आजमगढ़ से डायरेक्ट किया जा सकेगा।